नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल किम डॉक्टर एबीएम में। मैं हूं आलोक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स। ठीक है, हम उसकी ट्रिक देखने वाले किस तरह से हम लोग सीक्वेंस में उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और उसके पैरामीटर्स, ठीक है, एज लेंथ और इंटरफेसियल एंगल्स के। सो कई बार क्या होता है कि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्रिस्टल सिस्टम है तो इसका पैरामीटर क्या होगा, है ना, एज लेंथ और इंटरफेसियल एंगल का जो भी है, ठीक है, पैरामीटर उनका वो क्या होगा, करेक्ट क्या होगा। तो वो हमें कई बार कंफ्यूज हो जाता है और हम लोग भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग किस तरह से उसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है, और वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी जो भी क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे इस टॉपिक से उसे सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलो आइए देखते हैं हम लोग। तो सेवन क्रिस्टल सिस्टम को जो मेरा सिक्वेंस है लर्न करने का, ठीक है, वो है कुत्ते और मंत्री, रहवासी है। क्या लिखा है मैंने? कुत्ते और मंत्री रहवासी है। ठीक है, देखिए क्यू क्यू से आएगा यहाँ पर क्यूबिक, ठीक है, ते से आएगा टेट्रा गोनल, ठीक है, ते से आएगा टेट्रा गोनल, और से क्या आएगा यहाँ पर ऑर्थो रोम्बिक, ठीक है, मंत्री, ठीक है, मंत्री, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मंत्री, ठीक है। सो इसका आएगा मोनोक्लिनिक, क्या आएगा, मोनोक्लिनिक, ठीक है, मोनोक्लिनिक, और त्री, थ्री से क्या आएगा ट्राय क्लिनिक, ओके, ट्राय क्लिनिक। रहवासी आर एच से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहां पर ये आएगा आर एच से रोम्बोहेड्रल, क्या आएगा रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल का और एक नाम है, ठीक है, ट्राइगोनल, क्या नाम है, ट्राइगोनल, ठीक है अपना जो लास्ट वाला है मतलब हेक्सा गुण, ठीक है, ये हो गया हमारे सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स। ठीक है, हम लोग इस तरह से इसको इसका सीक्वेंस देखने वाले, ठीक है, यही हमारा सीक्वेंस है। क्या है, सबसे पहले क्यूबिक, देन कुत्ते और मंत्री रहवासी है, ठीक है, कुत्ते क्यूबिक टेट्रागोनल, देन और ऑर्थोरोम्बिक, मंत्री यानी मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, रहवासी आर एच रोम्बोहेड्रल जिसका और एक नाम है ट्राइगोनल, और है लास्ट में है मतलब हेक्सागोनल, ठीक है, ओके, ये हो गया मेरा क्रिस्टल सिस्टम को लर्न करने का तरीका। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास पैरामीटर कौन कौन से है, एज लेंथ है और इंटरफेसियल एंगल्स, ठीक है। तो एज लेंथ को मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, एज लेंथ को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको ये सीक्वेंस बताया उसी सीक्वेंस पे मैं यहाँ पर, ठीक है, सेवन टाइम्स लिखूंगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर है सबसे पहला ई, इवन E3, E1, देखिए सेवन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, E1, E3, 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 E1, ठीक है, मैं इनका मीनिंग समझाऊंगा क्या है, ओके ओके। यहाँ पर देखिए E का जो मतलब है, ठीक है, E का जो मतलब है वो है, E का मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, एज लेंथ के बारे में, मैंने एज लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया, E से, ठीक है, एज लेंथ, एज लेंथ को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, E से, ठीक है। देखिए E जहां लिखा हुआ है उसका मतलब है ऑल इक्वल, E सिर्फ E लिखा हुआ है इसका मतलब ऑल इक्वल, ठीक है, मतलब एज लेंथ जो रहेगी A equals to B equals to C, all equal, ठीक है। E one लिखा हुआ है, मतलब एक कैसा रहेगा, unequal, एक unequal रहेगा, ठीक है, ये one represent कर रहा है, एक unequal रहेगा, मतलब इसका इस केस में कैसा रहेगा, A is equal to B is not equal to C। E three, ठीक है, यहाँ पे कैसा रहेगा, one unequal, एक कैसा रहेगा, unequal रहेगा। E three जहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पे सभी कैसे रहेंगे, all अनइक्वल, ऑल कैसे रहेंगे, अनइक्वल,
यहाँ पे फिर से इसका मीनिंग क्या हो गया, ऑल इक्वल एज रेंज जो रहेगी ऑल इक्वल, यानी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इवन मतलब ए कैसा रहेगा, अनइक्वल, मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गई ट्रिक हमारी। ओके, अब हमारे पास में एक सेकेंड जो पैरामीटर है वो है इंटरफेसियल एंगल्स, ठीक है, इंटरफेसियल एंगल्स, और इंटरफेसियल एंगल्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, सेकेंड पैरामीटर, तो एंगल, ठीक है, एंगल तो मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, ए से, तो सबसे पहले जैसे इस तरह से मैंने लिखा यहां पर सेवन, ठीक है, सेवन टाइम्स लिखा, उसी तरह से यहां पर मैं लिखता हूं, ठीक है, ए ए ए, ठीक है, ए ए ए, ठीक है, उसके बाद में ए वन ए थ्री ए वन ए वन ए थ्री ए वन एंड यामा इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ उसका मीनिंग क्या है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे ई लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे ए लिखा है, यहाँ मीनिंग क्या बताया आपको ई का, सभी कैसे रहेंगे इक्वल, उसी तरह से ए मतलब जितने भी बॉन्ड, सॉरी जितने भी इंटरफेसियल एंगल्स है वहाँ पर, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये सभी कैसे रहेंगे इक्वल टू 90 डिग्री, कैसे रहेंगे इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, मतलब ये कैसे रहेंगे ए ए ए, ठीक है, वो कैसे रहेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ए लिखा हुआ है तो, मतलब ऑल इक्वल, ठीक है, ए वन लिखा हुआ मतलब एक मिस्टेक रहेगी वहाँ पर, ठीक है, एक मिस्टेक रहेगी, ठीक है, एक मिस्टेक क्या, जैसे कि एक एंगल कैसे रहेगा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री और बाकी कैसे रहेंगे इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ऐसा रह सकता है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, ए थ्री मतलब सभी जो इंटरफेसियल एंगल्स है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ए थ्री यानी तीनों अनइक्वल, ए वन अगेन एक कैसा रहेगा अनइक्वल, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, और गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री, देखिए जो हेक्सागोनल रहता है, ठीक है, अच्छा अगर हम लोग हेक्सागोन ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको पता है ये जो एंगल रहता है ये कितना रहता है 120 डिग्री, हेक्सागोन आया मतलब आप समझ लेना कि एक एंगल कैसा है 120 डिग्री का है और बाकी जो एंगल है वो कैसे है इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये तो मैंने आपको सबसे पहले ट्रिक बता दिया। अब हम देखते हैं, हम सीक्वेंस नाम लिखेंगे, ठीक है, सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स के, और हम देखते हैं कि अब ये ट्रिक हमारी कितनी हेल्पफुल है हमें वो पैरामीटर्स लिखने में, ठीक है, चलिए देखते हैं। क्रिस्टल सिस्टम्स, ठीक है, एज लेंथ, उसके बाद में इंटरफेसियल एंगल, और लास्ट में आएगा हमारा सब टाइप्स, ठीक है, सब टाइप्स, ठीक है, आपको पता है सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं और 14 ब्रेविस लैटिसेस, ठीक है, तो वो सब टाइप्स में हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया ट्रिक, इसका सीक्वेंस कुत्ते और मंत्री रहवासी है, तो देखिए सबसे पहला क्या आएगा हमारा क्यूबिक, ठीक है, उसके बाद में टे यानी टेट्रा गोनल, ओके, टेट्रा गोनल, ओके, उसके बाद में देखिए कुत्ते और यानी ऑर्थो रोम्बिक, ऑर्थो रोम्बिक, ठीक है, उसके बाद में देखिए कुत्ते और मंत्री यानी मोनोक्लिनिक, उसके बाद में देखिए त्री यानी ट्राइक्लिनिक, एक बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको नाम भी याद हो जाएंगे पूरे, ठीक है, ट्राइक्लिनिक, उसके बाद में देखिए रहवासी है, ठीक है, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, उसके बाद में
लास्ट है हमारा, ठीक है, और वो है, वो क्या है हमारा, वो है हमारा हेक्सागोनल, ठीक है। सो ये हो गया हमारा लास्ट हेक्सागोनल। अब मैंने देखिए आपको ट्रिक सबसे पहले लिखवाया, ध्यान दीजिए उस तरफ। तो पहले मैंने आपको लिखा है एज लेंथ के लिए, क्या लिखा है, ई वन, ठीक है, मैंने ई से रिप्रेजेंट किया एज लेंथ को। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ई, ई मतलब ऑल इक्वल। तो देखिए एज लेंथ को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए बी और सी से, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, ई मतलब ऑल इक्वल। फिर देखिए ई वन लिखा हुआ मतलब एक जो रहेगा वो अनइक्वल रहेगा, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी is not equal to c, e1 लिखा है मतलब a कैसा रहेगा unequal, ठीक है। बाद में देखिए e3 लिखा हुआ, तो a is not equal to b is not equal to c, आया ध्यान में, मैंने आपको मीनिंग पहले ही समझा दिया। फिर यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है e3, a is not equal to b is not equal to c, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है e3, a is not equal to b is not equal to c। उसके बाद फिर से हमने रिपीट किया e1, तो e मतलब a is equal to b is equal to c, ठीक है, और उसके बाद में क्या है e1 यानी a is equal to b is not equal to c, हो गया हमारी ट्रिक यहाँ पर काम आ गई, ठीक है, एकदम आसानी से हम लोगों ने लिख लिया। अब देखते हैं हम लोग इंटरफेसियल एंगल, ठीक है, इंटरफेसियल एंगल। एक और बात यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम रहता है, ठीक है, उसके लिए जो दोनों जो चीज़ें हैं मतलब एज लेंथ और इंटरफेसियल एंगल, ये सभी इक्वल रहते हैं। उसी तरह से ट्राइक्लिनिक जो रहता है उसमें इंटरफेसियल एंगल और एज लेंथ ये दोनों कैसे रहते हैं, सभी के सभी ऑल अनइक्वल रहते हैं, ठीक है, सभी कैसे रहते हैं अनइक्वल। तो ये भी बहुत एक जबरदस्त हमारे हम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, हम लोग अभी भूलेंगे नहीं इसको। क्यूबिक में कैसे रहता है, सभी कैसे रहते हैं इक्वल, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और क्या बताया मैंने आपको ट्राइक्लिनिक में कैसा रहेगा, सभी कैसे रहेंगे अनइक्वल, ठीक है, एज लेंथ भी और उसके इंटरफेसियल एंगल्स भी, मतलब अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, आया था मैं। फिर मैंने आपको इधर क्या लिखवाया था, देखिए ध्यान रखिए, ठीक है, ए लिखवाया था फिर ए लिखवाया था, मतलब ये जितने भी हैं तीन बार क्या है गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तीन टाइम्स है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये तीन हो गए, ये चार हो गए। ट्राइक्लिनिक कभी मत बोलना, ट्राई मतलब तीनों कैसे है गलत है, इंटरफेसियल एंगल भी गलत है मतलब अनइक्वल है, उसी तरह से एज लेंथ भी, ठीक है, क्यूबिक केस में सभी कैसे है इक्वल है। अच्छा यहाँ पर फिर मैंने लिखा था ए, उसके बाद मैंने लिखा था A1, ठीक है, क्या लिखवाया था A1, ठीक है, तो एक गलत है, इसमें रहता है अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन जो बीटा रहता है बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ए कैसा है अनइक्वल है, ओके। अब देखिए हेक्सागोनल में मैंने आपको बताया क्या बताया, अच्छा यहाँ पे तो यहाँ तक की ट्रिक कैसे आ गई, ए, बाद में A1, A3, फिर से क्या हुआ था A1 आया था और मैंने आपको लिखा था गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री, क्योंकि हेक्सागोनल आया मतलब समझ लेना कि एक एंगल कैसा है 120 डिग्री का है और बाकी कैसे है 90 डिग्री का, ठीक है, तो यहाँ कैसा रहेगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और गामा कैसा रहेगा गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री का, ठीक है, और यहाँ मैंने आपको लिखवाया था A1, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा था आपको गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री है, बाकी कैसे रहेंगे 90 डिग्री इक्वल, और यहाँ मैंने लिखा था A1, मतलब यहाँ पे भी एक गलती है, तो वो क्या है अल्फा इज इक्वल टू बीटा है इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब अल्फा और बीटा 90 डिग्री है, ठीक है, बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये इसका यहाँ से मीनिंग है, ओके। सो आई होप ये ट्रिक आप लोगों को फिलहाल समझ में आ गई होगी, इतनी मतलब पैरामीटर्स को हम लोग किस तरह से लर्न कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्रिक आपको हेल्पफुल होगी, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक दो बार, ठीक है। उसके बाद में देखिए सब टाइप्स, आपको पता है 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है और ठीक है उसी के सब टाइप्स है, हर एक क्रिस्टल सिस्टम के सब टाइप्स है जिसको हम लोग ब्रावाइस लैटिसेस कहते हैं। तो इसके कितने टाइप्स हैं, इसके जो टाइप्स हैं, ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको कोड दे देता हूँ ये, ठीक है,
32 42 111, ठीक है, ठीक है, 32 42 111, ठीक है। मतलब इनके इसके तीन सब टाइप्स रहेंगे, उसके बाद क्या है, टू, इसके टू रहेंगे, इसके फोर, इसके टू, इसके वन और इसके वन सब टाइप्स, ठीक है। देखते हैं 14 होते गए यहाँ पर, ठीक है, 3 2 5, ठीक है, और ये 6, कितने हो गए, 11 और 3, ठीक है, 14 हो गए। ओके देखते हैं हम लोग, अब देखिए देखिए, और एक चीज़ ध्यान में रखना है, अब दो ऐसे केसेस है क्रिस्टल सिस्टम के जिसमें एंड सेंटर्ड रहता है, ठीक है, दो केस में, और वो याद रखने का एक सबसे अच्छा तरीका है ओम, है ना, किसी किसी का नाम रहता है ना ओम, ओ एम। तो देखिए ओम मतलब ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ये दो केसेस में एंड सेंटर्ड आएगा, ठीक है, मतलब जब सब टाइप्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो, ठीक है, बाकी सब में तो सबसे पहला जो रहता है वो सिंपल रहता ही है, ठीक है, सिंपल मतलब प्रिमिटिव, ठीक है, उसके बाद में फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, लेकिन एंड सेंटर किस केस में आएगा, ओम के केस में, मतलब ऑर्थोरोमी के केस में और मोनोक्लिनिक के केस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आएगा सिंपल क्यूबिक, क्या आएगा, और बीसीसी, ठीक है, यहाँ पे जगह कम है, मैं बी से वहां पर इंडिकेट करता हूँ, बीसीसी, और क्या आएगा, एफसीसी आएगा, हो गए तीन, तीन हो गए, ठीक है, उसके बाद कितने हैं, दो, इसमें कितने आएंगे, दो, दो में क्या आएगा, सिंपल आएगा, और क्या आएगा, बॉडी सेंटर्ड, सिंपल आएगा और बॉडी सेंटर्ड आएगा, ठीक है, इसमें कितने आएंगे, फोर, फोर में क्या आएगा, सिंपल, एस मतलब सिंपल, ठीक है, सिंपल, उसके बाद में बॉडी सेंटर्ड आएगा, फेस सेंटर्ड आएगा, और ई, ई मतलब एंड सेंटर्ड, ठीक है, मैंने आपको बताया ओम, है ना, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक के केस में। फिर देखिए यहाँ पर, ओके सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आएगा वो ऊपर लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पर आएगा कितने, ये है हमारा क्यूबिक, तो इसमें आएगा तीन, सिंपल, बॉडी और फेस सेंटर, ठीक है, ये है हमारा टेट्रागोनल, तो इसमें कितने आएंगे, दो, मतलब सिंपल और बॉडी सेंटर, ये हमारा ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के केस में क्या रहेगा, यहाँ रहेगा सिंपल, बॉडी, फेस और एंड सेंटर, चार है ना, ठीक है, 32 42 111, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, ये हो गया 32 42, यानी यहाँ पे टू आएगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल एक आएगा, देखिए कौन सा टाइप में है, मोनोक्लिनिक, मैंने आपको बताया ओम, तो यहाँ पर क्या आएगा, एंड सेंटर, सेकंड वाला क्या रहेगा, एंड सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ट्राइक्लिनिक में, तो यहाँ पर देखिए 111 111, यानी सिंपल, सभी में कैसे आएंगे, सिंपल, मतलब इनके जो सब टाइप्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, सिंपल टाइप, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी ट्रिक, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग किस तरह से लर्न करेंगे सीक्वेंस में, और उसी सीक्वेंस के लिए मैंने आपको बताया कि पैरामीटर्स को हम लोग किस तरह से लर्न करेंगे, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार ट्रिक रिपीट करता हूँ, ठीक है, क्या बताया मैंने, एज लेन के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो क्रिस्टल सिस्टम का ट्रिक देख लेते हैं, कुत्ते और मंत्री रहवासी है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, देन रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल, ठीक है। उसके बाद देखिए एज लेंथ का, एज लेंथ के केस मैंने आपको बताया ई ई वन, फिर ई थ्री ई थ्री ई थ्री, फिर ई ई वन, ठीक है, मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, देन ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, उसके बाद में तीन टाइम्स कैसे है, अनइक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, उसके बाद में देखिए ई ई वन मतलब ऑल इक्वल, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, उसके बाद में ई वन एक अनइक्वल, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। उसके बाद मैंने आपको बताया इंटरफेसियल एंगल्स, ठीक है, तो देखिए वहाँ पर सबसे पहला जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, स्टार्टिंग में जो थ्री है उसमें ए ए ए आएगा, मतलब ऑल इंटरफेसियल एंगल्स आर इक्वल, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने फोर्थ में आपको बताया था ए कैसा रहेगा, अनइक्वल, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, वेयर एज बीटा इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, 90 डिग्री, ओके, एक अनइक्वल रहेगा। बाद में ट्राइक्लिनिक आता है, ट्राइक्लिनिक मतलब जिसमें सभी कैसे है, अनइक्वल है, तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ठीक है, कौन सा आता है हमारे पास, ट्राय, ठीक है, सियासी कुत्ते और मंत्री रहवासी है ना, रोम्बोहेड्रल होता है, रोम्बोहेड्रल में भी एक अनइक्वल है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। और हेक्सागोनल में आपको सबसे सिंपल सा मैंने आपको बताया कि गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, एक जो एंगल रहता है वो 120 डिग्री रहता है, और बाकी अल्फा और बीटा कैसे रहेंगे, 90 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए हमारी ट्रिक, और मैंने आपको बताया 14 ब्रेविस लैटिस, ठीक है, किसमें कौन कौन सा टाइप रहेगा, मैंने आपको एक कोड दे दिया, ठीक है, कितने रहेंगे, कौन से क्रिस्टल सिस्टम्स के। अब हम देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जाम्स में, ठीक है, तो आप ट्रिक को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, समझिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी ये लर्न हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ओके,
ठीक है। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, यहाँ पर तीन क्वेश्चन हैं, एक है गेट 2008 से, फिर है एक को गेट 2013 में पूछा गया और एक एम्स 2004 में पूछा गया, ठीक है क्वेश्चन। तो देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, अ लैटिस पैरामीटर्स फॉर ए मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स आर, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स के लिए क्या रहेंगे पैरामीटर्स, ठीक है, लैटिस पैरामीटर्स। तो देखिए लैटिस पैरामीटर मोनोक्लिनिक की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी उसके एज लेंथ रहती है सभी कैसे रहते हैं अनइक्वल, एज लेंथ रहती है सभी अनइक्वल रहती है, ठीक है, और एंगल की अगर मैं बात करूँ तो उसका कैसा रहता है, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले एज लेंथ की बात करते हैं, तो यहाँ पर सभी अनइक्वल है, यहाँ पे सब अनइक्वल है, मतलब ये दोनों कैसे रहेंगे, ये तो दोनों आ ही नहीं सकते। उसके बाद देखिए सभी, देखिए अल्फा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, जबकि इस केस में देखिए सभी कैसे अनइक्वल, सभी अनइक्वल किस केस में रहते हैं, ट्राइक्लिनिक केस में, तो ये भी कैसा होगा गलत, मतलब हमारा करेक्ट कौन सा है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, गेट 2008 का क्वेश्चन है, ओके। बाद में देखिए एक क्रिस्टल हैज दी लैटिस पैरामीटर्स, ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। देखिए ये किसका केस हो सकता है, ये कौन से क्रिस्टल सिस्टम का केस हो सकता है, देखिए अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, देखिए हमारे ट्रिक में क्या था ई, ठीक है, देन ई वन ई थ्री ई थ्री ई थ्री था, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए ये उसमें से एक हो सकता है, देखिए E3 किसके लिए था, वहाँ पर हमारे ऑर्गेनिक के लिए, देन मोनोक्लिनिक के लिए और ट्राइक्लिनिक के लिए, ठीक है। तो देखिए मोनोक्लिनिक यहाँ पर दिया हुआ है, ट्राइक्लिनिक यहाँ दिया हुआ नहीं है और ऑर्थोरोमिक दिया हुआ है, मतलब टेट्रागोनल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्यूबिक भी हो नहीं सकता क्योंकि क्यूबिक में कैसा रहता है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और टेट्रागोनल में कैसा रहता है ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ये दोनों में से एक हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर एंगल क्या दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब अभी हमने देखा था कि मोनोक्लिनिक के केस में क्या रहता है, अल्फा इज इक्वल टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सभी एंगल कैसे है, इक्वल है टू 90 डिग्री, इसका मतलब मोनोक्लिनिक भी नहीं है, क्या आएगा डी ऑप्शन कैसा है, करेक्ट है। देखिए द क्रिस्टल सिस्टम थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, एम्स 2004 का, द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए कंपाउंड विद यूनिट सेल डायमेंशन, देखिए यहाँ पर आपको वैल्यूज दी हुई है 0.387, b equals to 0.387 and c equals to 0.505। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a is equal to b is not equal to c, a is equal to b is not equal to c, और देखिए क्या दिया हुआ है, alpha is equal to beta equals to 90 degree and gamma, देखिए 120 degree दिया, सात क्रिस्टल सिस्टम हमने स्टडी किया उसमें से एक ही है जिसमें गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री रहता है, वो रहता है हेक्सागोनल, तो इसमें आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, 120 डिग्री दिया मतलब कौन सा है, हेक्सागोनल, तो आपका कौन सा आएगा आंसर, ये वन। तो फ्रेंड्स हमारे ट्रिक की हेल्प से हम इतने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मेरी ट्रिक आपको पसंद आया होगी, ठीक है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।